नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा सूद। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से चला आ रहा सियासी ड्रामा अब खत्म हो सकता है। दिल्ली के बाद शुक्रवार को मुंबई में मुलाकातों का फाइनल दौर है, जहां शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी आपस में बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि शाम में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई सरकार के फॉर्मूले का ऐलान होगा। यह भी तकरीबन तय है कि उद्धव ठाकरे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं मानते तो पार्टी के सांसद संजय राउत ये पद संभाल सकते हैं। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद सीएम पद की रेस में संजय राउत ही आगे हैं। इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उतरना चाहिए। बैठक में मौजूद रहे शिवसेना सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने भी उद्धव को सीएम पद संभालने के लिए कहा। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे। दरअसल शिवसेना ही नहीं बल्कि कांग्रेस और एनसीपी भी यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र की कमान उद्धव ठाकरे जैसे अनुभवी नेता के हाथों में दी जाए, क्योंकि आदित्य ठाकरे को राजनीति का गहरा अनुभव अभी नहीं है। वहीं तीनों दलों के साथ मिलकर सरकार चलाने का जिम्मा अभी आदित्य के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। उद्धव अगर ऐसे हालात में शरद पवार और सोनिया गांधी को साथ कर सरकार बना सकते हैं, जो 5 साल तक महाराष्ट्र की सरकार चला भी सकते हैं। इसके अलावा संजय राउत ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 साल शिवसेना का ही सीएम होगा। उन्होंने कहा, हर कोई चाहता है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री का पद संभाले, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। इसके अलावा सिर्फ शिवसेना में ही नहीं बल्कि तीनों पार्टियों की यही मांग है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री का पद संभालें।